हाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मयंक पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जाना लेज़र क्रिएशन विंडो के बारे में। लेज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्स परचेज इत्यादि का लेज़र हम कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों ने जाना। जिसने भी मेरी लास्ट क्लास है ना देखी हो, वो जा कर के के सी आई टैली स्पेशलिस्ट पर जा कर के देख सकता है, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जा कर के क्लिक करके देख सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है मेरा वो पार्टी लेज़र है। हम पार्टी लेज़र कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेज़र हम कैसे बनाते हैं टैली में, बेसिक तरीके से पार्टी लेज़र को हम कैसे बनाते हैं। पार्टी लेज़र कहने का मतलब सन्ड्री डेबिटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जो हम लेज़र्स क्रिएट करते हैं, व्यक्ति का, कंपनी का, या ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे आज। डियर स्टूडेंट्स, तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली की क्लास को अटेंड कर पाएँ। तब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे वीडियो को तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा, और बाद में जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं वो भी आपसे छूट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम टैली की स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत अकाउंट इन्फो पर। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट इन्फो पर हम एंटर करते हैं, लेज़र पे चलते हैं, क्योंकि हमें लेज़र ही क्रिएट करके बताना है। आप देख पा रहे हैं सिंगल लेज़र एंड मल्टीपल लेज़र, इसमें हम कैसे लेज़र को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेज़र को कैसे हम डालते हैं, बनाते हैं, वो सब आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है। आज हम देखते हैं हम पार्टी लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम क्रिएट पर चले जाएंगे। आपके सामने लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन होकर के आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेम है, अंडर है, मेलिंग डिटेल्स हैं, तो इसको हम कम्प्लीटली बताएंगे क्या क्या हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि जब हम अलग अलग ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसमें पार्टी लेज़र में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, वो हमें एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना रहता है, बट हम एक बेसिक तरीके से आपको पार्टी लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ जनरल इंट्रीज कर रखा है यहाँ, परचेज सेल से रिलेटेड मैंने किया था, जिसमें पार्टी लेज़र्स के लिए पार्टी की इंट्रियाँ भी हैं। जैसे हम किसी को माल बेचते हैं या किसी से माल खरीदते हैं, तो हम उधार माल अगर बेच रहे हैं या उधार माल खरीद रहे हैं तो उसमें पार्टी का विवरण है। आप देख पा रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश टेलीकॉम 50,000, इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डी आर 50,000 टू राजेश टेलीकॉम 50,000। आप देख पा रहे हैं कि परचेज डी आर है, रियल अकाउंट कहता है कि जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डेबिट करते हैं, और परसेंट द गिवर, देने वाला धनी होता है, तो राजेश से माल प्राप्त हो रहा है हमें, तो राजेश यहाँ क्रेडिट हो गए और परचेज डेबिट हो गया। आप जानते हैं परचेज एक्सपेंसेस नेचर का आपका लेज़र है, क्योंकि जो हम माल खरीदते हैं तो हम एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चा करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अगला मैंने इसमें बनाया है गुड्स सोल्ड टू अमित 75,000, इसमें एंट्री क्या बनेगी, अमित अकाउंट डी आर 75,000 टू सेल्स अकाउंट 75,000। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी को माल बेचते हैं, यदि वो पार्टी उधार ले जा रही है, तो पार्टी डेबिट हो जाती है, जो कि पर्सनल अकाउंट कहता है। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाला ऋणी, तो व्यक्ति ऋणी हो जाता है, डीआर हो जाता है पर्सनल अकाउंट, और व्यापार से संपत्ति या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाती है, या हम इस तरह से कर सकते हैं इनकम्स में, चूँकि सेल्स जो हमारा है वो इनकम नेचर का ग्रुप है, तो सेल्स आपका व्यापार से जा रहा है, बट सेल्स आपका माल को संबोधित करता है, गुड्स है तरीके से, गुड्स व्यापार से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू सेल्स 75,000। तो इसी से रिलेटेड हमें, चूँकि परचेज का हम बना चुके हैं, सेल्स का भी लेज़र हम बना चुके हैं पिछली क्लासेस में, आज हमें पार्टी लेज़र बताना है राजेश टेलीकॉम एंड अमित, एक क्रेडिट में है और एक डेबिट में है, मतलब एक सन्ड्री क्रेडिटर बनाएंगे और एक डेबिटर बनाएंगे, तो हम देखते हैं कैसे हम बनाते हैं उसे। चलते हैं अपने टैली के स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अपने लेज़र क्रिएशन विंडो पर। हम देखते हैं एंट्री हम बनाते हैं राजेश टेलीकॉम का, राजेश टेलीकॉम अकाउंट, राजेश टेलीकॉम अकाउंट। आपने देखा कि परचेज अकाउंट डी आर टू राजेश टेलीकॉम, टू राजेश टेलीकॉम मतलब राजेश टेलीकॉम जो है उससे हमें माल प्राप्त हो रहा है, उधार माल हम ले रहे हैं, प्राप्त हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी होगी उसे पैसा देना, और करेंट लायबिलिटीज़ का एक
अंडर ग्रुप है, सब ग्रुप है, सेंडरी क्रेडिटर। हमने आप लोगों को बताया है कि जब कोई पर्सनल अकाउंट नए खाते पर क्रेडिट होता है तो उसे सेंडरी क्रेडिटर के अंतर्गत डालते हैं, और जब कोई पर्सनल अकाउंट कोई व्यक्ति या कंपनी नए खाते पर डेबिट होता है तो उसे हम सेंडरी डेटर में डालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें राजेश टेलीकॉम को हम सेंडरी क्रेडिटर में डालेंगे। हम एस प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सेंडरी क्रेडिटर को एंटर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं अंडर में सेंडरी क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटीज नेजर के अंतर्गत आ गया है। करेंट लाइबिलिटीज का सब ग्रुप है आपका सेंडरी क्रेडिटर। जस्ट नीचे हम आते हैं, आप देख पा रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डियर फ्रेंड। मेरा अगला टॉपिक भी इसके बाद लेजर्स के बाद का ऑप्शन जो होगा वो बिल वाइज डिटेल होगा। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, चूंकि हम जब किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो उसको जो बिल प्रोवाइड करते हैं उसी बिल पर हम काम करते हैं। अगर आज हमने इनको उधार माल उनसे खरीदा है तो बाद में मैंने पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा, तो हम इसी बिल से रिलेटेड भुगतान करेंगे बिल को मानते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस कर लेते हैं। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखता है तो उसकी सेटिंग होती है F11 प्लस F1 में चले जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन ये है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसे हमें यस करना होता है, जो पहले से ही यस है डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब देख पा रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस कर लिए। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड ऑप्शन, ये क्रेडिट पीरियड होता है जब हम किसी से माल खरीदते हैं या किसी को माल बेचते हैं तो कंपनी एक फिक्स डेट निर्धारित करती है, इतने दिन तक हमें दे देना है। अगर ऐसा कुछ फिक्स्ड है बाय डिफ़ॉल्ट वो सभी को उतने दिन के लिए उधार देती है तो हम डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ डालेंगे। अन्यथा जब हम बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करेंगे तो उसमें हम वो क्रेडिट पीरियड डाल देते हैं जितने दिन में उसे पैसा हमें प्राप्त करना है या हमें भुगतान करना है। एंटर करके हम आ जाते हैं मेलिंग डिटेल्स पर। हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम पार्टी लेजर बनाएंगे, पर्सनल अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो उससे हम मेलिंग डिटेल्स यहाँ डालेंगे। मान लीजिए हम ये लाल बाग लखनऊ से सामान ले रहे हैं, लाल बाग लखनऊ, हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। वैसे नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल है, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हम स्टेट चुनेंगे, लखनऊ आप जानते हैं राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश स्टेट चुनेंगे, यहाँ उसका जो पर्टिकुलर पिन कोड होगा वो हम डाल देंगे, कॉन्टेक्ट पर्सन जो उसका कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम डालेंगे, उससे रिलेटेड उसके सारे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट अगर ये डिटेल आपको नहीं दिख रहा है तो हम जा करके F12 से उसको कन्फिगर करते हैं। आप देख पा रहे हैं नीचे ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसे अगर हम नो करते हैं यहाँ से डिस्टेंस तो ये यहाँ से हट जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही होता है। अगर हमें यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं और नीचे जा कर के यहाँ पर हम इसे यस कर लेते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये ज़रूरी ऑप्शंस हैं, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है उसको आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ आ गए हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर हम कुछ डाल दे रहे हैं, सारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स, जो जरूरत हो वो आप डाल सकते हो। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पर अगर हमें ये दिखाना है, ये शो करना है कि हम जो उनसे पेमेंट उनको भुगतान करेंगे वो हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे, चेक द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम यस करके उसका ऑप्शंस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे एंड ऑफ लिस्ट कर दें। आप देख पा रहे हैं नीचे है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो टैक्स रजिस्ट्रेशन जो आपका पैन कार्ड होता है, आप देखें डियर स्टूडेंट जो चौथी डिजिट होती है वो P अगर है तो पर्सनल पैन कार्ड है, अगर वो चौथी डिजिट आपकी C है तो वो कॉर्पोरेटेड होता है, कुल 10 डिजिट्स में आपका पैन कार्ड होता है। तो इस तरह से इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर डालना चाहें, ज़रूरत हो तो डालें, अन्यथा हमें इसको वाउचर में करना है तो हमें यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखें ये कंप्लीट हो गया आपका लेजर, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, एक हम सेंडरी डेटर के अंतर्गत बनाते हैं जो हमने इंट्री कर रखी थी, इसमें आपने पीछे देखा होगा ये इंट्री कर रखी है गुड्स सोल्ड टू अमित, इसमें अमित अकाउंट DR है टू सेल्स। तो अमित को हम यहाँ से अमित का लेजर क्रिएट करेंगे, चूंकि हम सेल्स का लेजर पहले से ही बना चुके हैं तो हम यहाँ से अमित का लेजर बनाते हैं।
अमित अकाउंट। डे स्टूडेंट्स अब देखें, सैंडरी डेटर ओपन होकर के आ गया है, यहाँ पर एस प्रेस करा मैंने। सैंडरी डेटर को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। सैंडरी डेटर्स डेयर स्टूडेंट्स जो होता है वो करंट एसेट्स का सब ग्रुप होता है। इसका जो चूँकि माल हम बेचते हैं तो हमारा संपत्ति जाता है उसके पास, एसेट्स जाता है, तो ये करंट एसेट्स का सब ग्रुप है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को अभी मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बताया, इसको डीपली हम बिल वाइज डिटेल ऑप्शन जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम टैली में एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ाते रहेंगे, उसके अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यस करके रखते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं लिखते क्योंकि हमें बिल वाइज डिटेल में उसको मेंशन करना होता है। हम चलते हैं यहाँ पर, इनका भी एड्रेस डाल देते हैं। मान लीजिए ये अमित जी गांधीनगर बस्ती के रहने वाले हैं, तो हमने यहाँ गांधीनगर बस्ती डाल दिया, इंडिया हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। पिन कोड हम डाल देते हैं 0। कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल अगर डालना है तो हम डालें, अन्यथा हम यहाँ से मोबाइल नंबर डाल करके निकलते हैं आगे। एंटर कर लेते हैं, अगर ईमेल वगैरह है तो हम डाल देंगे, बट कोई ज़रूरी नहीं है। हम एक फॉर्मेट बना करके दे रहे हैं आप लोगों को एज ए एग्ज़ाम्पल, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ चलेंगे, इनका पैन डिटेल डाल देंगे, तरह से पैन कार्ड डिटेल दे दिया। आप देख रहे हैं नेम में अमित अकाउंट हो गया, अंडर में सैंडरी डेटर हो गया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे, इधर मैंने मेलिंग डिटेल्स डाल दिया, सारा टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल दिया। एंटर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस की जरूरत यहाँ होती नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते हैं। एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हम चलते हैं इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं, चाहे हम मल्टीपल में डिस्प्ले करें चाहे हम सिंगल में डिस्प्ले करें। हमें लिस्ट ऑफ लेजर में आप देख पा रहे हैं ये अमित भी मिल रहा है और राजेश टेलीकॉम भी मिल जा रहा है। अगर इसको हम उसके अंडर हेड के हिसाब से देखना चाहते हैं तो हम मल्टीपल में जा कर के डिस्प्ले कराएं डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं हम ऑल आइटम जब करेंगे तभी सारे दिखेंगे आपके लेजर्स। नेम ऑफ लेजर आपको दिख रहा है, अंडर हेड्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पार्टी लेजर कैसे क्रिएट किया, सैंडी क्रेडिटर के अंडर में हमने बनाया और सैंडरी डेटर बनाया, दोनों तरीके से। जो पार्टी लेजर चूँकि डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम में यूज़ होता है तो आपने डेबिटर और क्रेडिटर दोनों तरीके का पार्टी लेजर देखा डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इनकम एक्सपेंसेस बैंक के लेजर्स ये बता करके फिर अपने अलग अलग टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में डियर स्टूडेंट्स अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।